हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने सैटरडे से, जो कि कंटिन्यू किया है नेक्स्ट संडे तक। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि हम जाने वाले हैं नानू हाउस। नानू हाउस मीन्स मेरे मम्मी पापा के घर। उन्होंने बड़े प्यार से अपने घर का नाम नानू हाउस रखा है और पैकिंग भी हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आइसक्रीम बनाई थी जो कि मुझे अपने साथ लेकर के जानी है, तो बस वही छोटी मोटी चीजें रखेंगे और निकल पड़ेंगे नानू हाउस के लिए। मॉर्निंग एवरीवन, और अब हम लोग निकल रहे हैं नानू हाउस के लिए और अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलती हूँ नानू हाउस। तो बच्चों की तो फुल ऑन मस्ती चालू है और अभी मेरी एक सिस्टर का आना बाकी था जो कि सबसे छोटी है, ये निशा, और सबसे लास्ट में मैडम आई थी। इसकी एक बेटी है छोटी सी वाणी, अभी मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगी। तो हम सारे चारों बहनें जब इकट्ठे हो जाते हैं, चारों बहनों के बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो इतनी मस्ती, इतना धमाल होता है, इतनी धमा चौकड़ी होती है नानू हाउस में कि बस पूछो ना। और इन दोनों की तो अलग ही ट्यूनिंग है। एक्चुअली इन दोनों में सिर्फ एक साल का ही एज गैप है। जियाना है जिसे टीचर बनने का बहुत ज्यादा शौक है और वाणी है जो कि हमेशा रेडी रहती है उसकी स्टूडेंट बनने के लिए। क्या हो गया? गलत कर दिया? गलत मत करो। यहाँ पे वाणी नाराज हो गई थी जियाना से, बट जियाना ने कुछ ही देर में उसको मिनटों में मना भी लिया। इसके बाद हम सब ने इकट्ठे बैठ के लंच किया और मम्मी ने बहुत सारा, बहुत ही अच्छा टेस्टी लंच बना के रखा हुआ था, जो कि मैंने एज सच को शूट तो नहीं किया बिकॉज वी ऑल वर स्पेंडिंग गुड टाइम और ढेर सारी बातें की ओवर लंच। और इसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना फैमिली ट्रेडिशन, सबकी पुरानी फोटो एल्बम्स देखना। देखा कैसे पोजेस बदलते हैं। जाना आप भी नहीं ऑफिस में? ये नहीं, उधर शिफ्ट हो, जल्दी शिफ्ट हो, ग्रैब योर सीट, गो।
जाना सीधा। अब जब नानू हाउस आए हैं तो एक आउटिंग तो बनती है, तो बस बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया कि बाहर से आज टिक्की गोलगप्पे खाया जाए। अब फैमिली थोड़ी बड़ी है तो दो रिक्शे करने पड़े थे और बच्चों को दोनों रिक्शों में ही वन बाय वन बैठना था। एंड फाइनली हम पहुंच गए अपने गोलगप्पे वाले स्पॉट पे। बताओ क्या क्या खाया? गोलगप्पे, पापड़ी, मक्के का पानी और आलू की टिक्की और नाचना किया। पेट भर के गोलगप्पे, टिक्की, पापड़ी ये सब खाने के बाद वी वेंट टू अ नियर बाय स्टोर जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा पानी वगैरह लेना था। और जब इतनी बड़ी फैमिली एक साथ एक स्टोर पे आए तो सिर्फ पानी लेना तो नहीं बनता है, राइट? तो जिसके मन में जो आया उसने वो उठाया और बस बहुत ही अच्छा आज हमारा टाइम स्पेंड हुआ और इतने अच्छे से इतना पेट भर के गोलगप्पे टिक्की खा लिया था कि डिनर की तो इच्छा ही नहीं थी। बस यहाँ पे बिलिंग करा के हम थोड़ी देर बाहर बैठे, थोड़े फोटोज वगैरह क्लिक किए और आते वक्त हम लोग बाय वॉक ही आ गए थे। काफी पास है हमारा घर यहाँ से और बच्चों के साथ बच्चा बनने में एक अलग ही मजा है। एंड यस, आप कहीं भी जाओ ग्रुप फोटोज आर मैंडेटरी फॉर स्वीट मेमोरीज। और बस टहलते टहलते हम पहुंच गए थे घर और घर पे आके मैंने मम्मी की थोड़ी सी चंपी की मालिश की और इसके बाद जो माहौल बना हमारे घर का, भाई वाह, पूछो ना। अब आप खुद ही एंजॉय कीजिए। एंड दिस इज द सिचुएशन एट 1 AM, रात के 1 बज रहे हैं और बच्चों की एनर्जी अभी भी नेक्स्ट लेवल पे है और यहाँ पे चल रहा है फुल फैमिली स्किन केयर। और बस यही सब करते करते कब रात के 2:30-3 बज गए, बातें करते करते हम लोग कब सो गए कुछ भी टाइम का पता नहीं चला। एंड दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग और आज मम्मी ने बनाए थे ब्रेकफास्ट में 2 टाइप के पराठे। एक्चुअली कल मम्मी ने गोभी आलू की सब्जी, दाल, काफी कुछ बना के रखा हुआ था बट घर पे आके डिनर करने का किसी का मूड ही नहीं था
बिकॉज ऑफ दैट गोलगप्पे एंड पापड़ी एंड ऑल। तो बस वो सब्जी दाल सब कुछ बचा हुआ था, तो उसी का मम्मी ने पराठे बना दिए। दो टाइप के आटे गूंदे थे, सब्जी के अलग दाल के अलग। और यहाँ पे चल रहा है टीम वर्क, कोई पराठा बेल रहा है, कोई सेक रहा है और कोई बच्चों के लिए छोटे छोटे बटर के पीसेस कर रहा है। समर वेकेशन का सही फील तो आज आया है जब हमने 12 बजे ब्रेकफास्ट किया है और बच्चों को भी फुल फ्रीडम मिला हुआ है किचन में, अपने मन की कुछ भी चीज बनाओ, कुकिंग करो। और ये फ्रीडम सिर्फ नानू हाउस में ही मिल सकता है और कहीं नहीं। और इसके बाद हमने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जो कि हो गया फेल, डिजास्टर। ये देखो जले हुए सोचा था क्या क्या हो गया, क्या बन रहे हैं, तवे पे भी बन रहे हैं। एक्चुअली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इतना ज्यादा हैवी हो गया था कि किसी का भी प्रॉपर लंच करने का मूड नहीं था, तो सब लगे पड़े थे अपने अपने एक्सपेरिमेंट करने में। और मैं भी लग गई आज माइक्रोवेव में फर्स्ट टाइम कुकिंग करने के लिए, जो कि बिल्कुल ही फेल डिजास्टर साबित हुआ। तो माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा था या मैं कुछ गलत कर रही थी, आई डोंट नो। सोचा तो था सबको चीज गार्लिक कॉर्न वाला टोस्ट बना के खिलाऊंगी माइक्रोवेव में, बट सब कुछ फेल हो गया, एकदम डिजास्टर हो गया आज तो समझो। उसके कुछ देर बाद हमारा चाय समोसा पार्टी हो गया था, जो कि अगेन मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बस सबके जाने का भी टाइम हो गया था और इतनी जल्दी एक दिन एक रात बीता के कुछ पता ही नहीं चला। अलविदा। गले मिलना। और बस उसके बाद सब अपने अपने घर को हो गए थे रवाना और एक बार फिर से नानू हाउस सूना हो जाएगा। बट होपफुली कुछ दिन में हम लोग फिर से आएंगे, इकट्ठे होंगे और एक बार फिर से नानू हाउस में रौनकें लौट आएंगी। आई लव टू कैप्चर दी स्वीट मोमेंट्स ताकि हम जब भी इन्हें देखें ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू ऑल द गुड थिंग्स, लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।